हेलो एवरीवन, अविटेकी हियर। और आज हम बात करेंगे कैसे हम iCloud ड्राइव को और साथ ही साथ iCloud फोटोज को अपने विंडोज पीसी में आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अपने iCloud आईडी को एक्सेस करने के लिए अपने विंडोज पीसी में आपको सबसे पहले एक वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा और वहां पे आपको सर्च करना है iCloud डाउनलोड लिख के या फिर iCloud ऐप को, और उसके बाद फिर आप इंस्टॉल ऑन विंडोज का ये जो ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है इस पे क्लिक करके iCloud ऐप को आप अपने विंडोज पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर को भी डायरेक्टली ओपन करके आप iCloud को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज पीसी में। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसा है, कितना फास्ट है, उसके हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि 415 MB की ये फाइल है जो कि अभी डाउनलोड होगी। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको इसे करना है ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने iCloud ऐप का कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि iCloud का जो भी कंटेंट है वो हम अपने पीसी पे इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी से सिंक कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि iCloud ड्राइव भी है, iCloud फोटोज है, पासवर्ड, बुकमार्क्स वगैरह सारा कुछ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड पे, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे होगा साइन इन करने के लिए iCloud ड्राइव में। तो अगर आप अपने आईफोन से सिंक करना चाहते हैं सारे फाइल्स को अपने विंडोज पीसी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसी एप्पल आईडी से लॉगिन करना होगा, या फिर आप किसी भी एप्पल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जिसका भी आप iCloud एक्सेस करना चाहते हैं। अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट करिए और अपने एप्पल आईडी से साइन इन कर लीजिए इस एप्लीकेशन में। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे पूछा जाएगा, सिंक iCloud फोटोज टू माइक्रोसॉफ्ट फोटोज। क्या आप अपने iCloud फोटोज को माइक्रोसॉफ्ट फोटोज एप्लीकेशन उसमें सिंक करना चाहते हैं? तो अगर आप यहाँ पे इसे सिंक करना चाहते हैं तो आप सिंक फोटोज भी कर सकते हैं या फिर नॉट नाउ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट फोटोज का जो अलग से आपका एल्बम है वो अलग रहे और iCloud का एल्बम अलग से रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे नॉट नाउ भी अभी कर सकते हैं। बाद में इसकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं आप। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा नॉट नाउ पे। फिर यहाँ पे है सिंक iCloud ड्राइव टू फाइल एक्सप्लोरर। तो अगर आपको अपने iCloud ड्राइव के जितने भी फाइल्स हैं, जो भी आपने iCloud ड्राइव पे फाइल्स को सेव करके रखा हुआ है, उसे अगर आप अपने विंडोज पीसी में सिंक करना चाहते हैं या फिर एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये जो सेटिंग है आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंक फाइल्स पर। अब यहाँ पे है सिंक योर पासवर्ड। तो क्या आप अपने iCloud पासवर्ड को, कीचेन का जो पासवर्ड है, उसे एक्सेस करना चाहते हैं या फिर सिंक करना चाहते हैं? जो भी आपने सफारी में सेव करके रखा हुआ होगा वो सारी चीज अगर आप सिंक करना चाहते हैं अपने विंडोज पीसी में, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंस्टॉल एक्सटेंशंस का जो ऑप्शन है उस पे भी क्लिक करके एक्सटेंशंस वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ पासवर्ड भी सिंक कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में। तो ये चीज अगर आप करना चाहते हैं तो सिंक पासवर्ड्स पे क्लिक कर दीजिए या फिर नॉट नाउ कर दीजिए। मैं अभी करूंगा नॉट नाउ। फिर यहाँ पर बुकमार्क्स के लिए है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नॉट नाउ करिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे कैलेंडर्स एंड कॉन्टैक्ट्स को सिंक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी चीज आप कर सकते हैं। अगर अपने iCloud के कॉन्टैक्ट्स या फिर कैलेंडर्स को सिंक करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में वो सिंक कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सिंक कैलेंडर्स एंड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख जाता है। अगर नहीं करना है तो नॉट नाउ करिए। मैं करूंगा नॉट नाउ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब है शेयर iCloud एनालिटिक्स। तो अगर एनालिटिक्स आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़कर आप यहाँ पे सेटअप को फिनिश कर सकते हैं, फिनिश सेटअप पर क्लिक करके। तो फाइनली हमारा जो iCloud ऐप है उसका जो सेटअप है वो पूरी तरह से हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि iCloud ऐप में मेरा जो अकाउंट है वो शो हो रहा है, साथ ही साथ iCloud फोटोज, iCloud ड्राइव, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। इवन कि अगर आप बाद में भी, जैसे मैंने बताया था पहले कि iCloud फोटोज को सिंक इनेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कौन से लोकेशन पे करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर iCloud का जो स्पेस है आपका वो यहाँ पे शो हो रहा है, कौन कौन से चीजें आपकी कितनी स्पेस ले रही है, वो सारी चीजें भी आप मैनेज कर पाएंगे। मैनेज पर क्लिक करके कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीजें आपकी कितनी स्पेस ले रही है iCloud ड्राइव पे। जैसे iCloud फोटोज मेरा इतना ले रहा है, साथ ही iCloud ड्राइव, वो जितनी भी चीजें मतलब iCloud से आपकी लिंक्ड होंगी वो सारी चीजें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन सारी चीजों का डेटा डिलीट करना तो वो भी आप यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पर डिलीट करेंगे तो आपका ये जो डेटा है iCloud पे वो हर जगह से डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आपका आईफोन, आईपैड, वो सारी चीजों से ये रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली। आप इवन की अगर इसमें स्पेस को ऐड करना चाहते हैं, iCloud के स्टोरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ऐड स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ से स्टोरेज भी परचेज कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ पे मेल वगैरह की, तो जैसे सिंक का ऑप्शन था तो आप अपने iCloud मेल को आउटलुक में यहाँ पे सिंक कर सकते थे,
और डायरेक्टली आप मेल पा सकते थे अपने विंडोज पीसी में ही। आईक्लाउड पे जो भी मेल आएंगे आपके वो सिंक हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने वो ऑप्शन इनेबल नहीं किया है तो उसके अलावा भी आप iCloud.com पे जाकर अपने मेल्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। और ध्यान दें कि अगर आपको iCloud से रिलेटेड जैसे नोट्स, रिमाइंडर, कीनोट वगैरह यूज करना है तो उसके लिए आपको iCloud.com पे ही विजिट करना होगा, आप वो यहाँ से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेटअप के लिए हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यू इन फाइल एक्सप्लोरर। आप देख सकते हैं कि मेरा जो जितने भी आइटम है iCloud ड्राइव पे 254 आइटम्स हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अभी 164 फाइल्स ही मेरे डाउनलोड हुए हैं, वो धीरे धीरे सारा कुछ डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड में। तो आप यहाँ पे व्यू इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके आप अपने जितने भी फाइल्स हैं iCloud के वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ अपने आईफोन में iCloud फाइल्स को दिखाऊं, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे सेकंड रो करके मेरा एक यहाँ पे फाइल है इसमें iCloud ड्राइव में, वो यहाँ पर मुझे अपने विंडोज पीसी में दिखना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये कि मेरा जो फाइल है, जो भी फाइल्स फोल्डर्स मैंने यहाँ पे सेव किए हुए थे अपने iCloud ड्राइव में, वो सारा का सारा मेरा यहाँ पे सिंक होना शुरू हो गया है और साथ ही साथ सेव हो गया। अगर मुझे कोई फाइल्स को ट्रांसफर भी करने हैं अपने आईफोन में iCloud की मदद से तो मैं सिंपली यहाँ पे लाकर किसी भी फाइल को ड्रॉप करूंगा और वो मेरे आईफोन में यहाँ पे सिंक होना शुरू हो जाएगा और साथ ही मुझे वो चीज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अगर फोल्डर्स की बात करूँ तो फोल्डर्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेजेस अभी फोल्डर को ओपन किया तो फोल्डर में जो सब फोल्डर है या फिर मतलब फाइल्स हैं वो भी मेरे यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है मेरे विंडोज पीसी में। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप आसानी से अपने iCloud ड्राइव को एक्सेस कर पाएंगे या फिर सिंक कर पाएंगे अपने विंडोज पीसी में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें iCloud फोटोज की तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे iCloud फोटोज देखने का कोई भी ऑप्शन हमें अभी शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो iCloud ड्राइव एप्लीकेशन है उसको फिर से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे iCloud फोटोज देख सकते हैं कि सेटअप किया हुआ नहीं है, तो हम इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे सेटअप करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम पहला जो ऑप्शन है iCloud फोटोज का इसे इनेबल कर देंगे ताकि हमारा जो iCloud फोटो लाइब्रेरी है वो हमारे विंडोज पीसी में सेव हो जाए या फिर सिंक हो जाए, जिससे कि हम आसानी से फोटोज भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आईफोन से विंडोज पीसी में और विंडोज पीसी से आईफोन में भी। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे iCloud फोटोज विल बी एडेड टू दिस फोल्डर करके आपको एक सेक्शन दिखेगा जिसमें कि आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका जो iCloud फोटोज है वो कहाँ पर सेव होगा। आप यहाँ से डाउनलोड हाई एफिशिएंसी फॉर्मेट फोटोज एंड वीडियोस का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर सकते हैं, जिसमें कि HEIF या फिर HEVC फॉर्मेट का जो फाइल होता है वो भी आप आसानी से सेव कर पाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, SDR वीडियोस के लिए भी इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर शेयर फोल्डर आपका जो भी शेयर फोल्डर है iCloud में उसे भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो चीज आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको करना है डन पे क्लिक और डन पे क्लिक करते के साथ आपका जितना भी यहाँ पे iCloud फोटोज है वो इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएगा, सिंक होना शुरू हो जाएगा आपके विंडोज पीसी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करूँ, ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि iCloud फोटोज इस जगह पे मेरा शो हो रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा iCloud फोटोज हमारा यहाँ पे जितने भी फोटोज होंगे वो सब यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। वहीं अगर आपको iCloud ड्राइव को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे iCloud ड्राइव पे क्लिक करके iCloud ड्राइव के फाइल्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे iCloud फोटोज की प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं कि कितना फोटोज जो है वो अभी सिंक हुआ है आपके विंडोज पीसी में आपके iCloud ड्राइव से, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा जितने भी फोटोज हैं iCloud में वो सारे यहाँ पे सिंक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अपडेटेड 1 मिनट अगो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो जितने भी फोटोज हैं मेरे iCloud में वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ अपने iCloud पे कोई फोटोज को अपलोड करना तो मैं सिंपली यहाँ पर लाकर किसी भी फोटोज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा या फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी पेस्ट मेरे जितने भी iCloud के फोटोज हैं वो सिंक हो जाएंगे। सेम मुझे यहाँ पे iCloud ड्राइव में भी वैसे ही करना होगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और मेरे जितने भी फाइल्स वगैरह हैं वो सारे कुछ iCloud पे सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने iCloud ड्राइव और iCloud फोटोज को अपने विंडोज पीसी में आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। वैसे अगर आप अपने iCloud फोटोज को किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इस फुल ट्यूटोरियल को जरूर देख लें।